अस्सलामुअलैकुम, मैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 की वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो ये मीन्स लेंथी होगी और इसमें एक ही लेक्चर में मैं मीन्स कोशिश करूँगी कि पूरा चैप्टर समझा दूँ। तो मीन्स पहले बायोलॉजी का मीन्स कॉन्सेप्ट दिया गया है, फिर ये कह रहे हैं कि भी बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी जो है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, मीन्स बायो मीन्स आप लोगों को पता है क्या है, बायोस मीन्स है लाइफ, लॉगस मीन्स है स्टडी मीन्स या डिस्कस, तो उसे कहते हैं। पहले क्या हुआ मीन्स जब बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहे थे तो बायोलॉजी की सिर्फ दो मीन्स थी, शुरू शुरू में का कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी की सिर्फ जो सिर्फ थी वो सिर्फ दो थी मैन ब्रांचेस। सही है, वो कौन सी थी? बॉटनी और जूलॉजी, सिर्फ ये दो थी। मीन्स बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करेंगे और जूलॉजी में एनिमल की। फिर बाद में क्या हुआ, पांच किंगडम का मीन्स कॉन्सेप्ट आया, तो मीन्स पांच किंगडम आई, तो वो जो पांच किंगडम आई उनमें मीन्स वो किसने दी, वो आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किसने दी। ये हमारी दी थी विटेकर ने, सही है, लेकिन उससे पहले भी किसी ने दी थी। मीन्स पहले दो किंगडम का था, फिर बाद में मॉडर्न आई टेक्नोलॉजी तो ये पांच किंगडम का हो गया, विटेकर क्लासिफिकेशन। सही है, मीन्स नाम तो आता नहीं है, मैं आपको बात बताती हूँ। फिर आती है किंगडम प्रोकैरियोटी, किंगडम प्रोकैरियोटी को मोनेरा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑल द प्रोकैरियोट्स, इसमें क्या होता है ऑल द प्रोकैरियोट होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट और यूनिसेल। प्रोकैरियोट तो होते हैं यूनिसेलुलर, कॉमन बात है, तो इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आता है। फिर आती है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर तो है लेकिन यूकैरियोटिक है, मीन्स प्रोकैरियोटिक सिर्फ वही थी, यूकैरियोटिक है। और इसमें मतलब ऐसी मीन्स चीज़ें आती हैं जो ना प्लांट हो, एनिमल हो, ना फंजी हो, जो भी मीन्स एक्स्ट्रा हो वो इसमें डाल दो। सही है, फिर आती है मीन्स किंगडम फंजी, किंगडम फंजी जो आती है वो मस्कुलर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट, इनकी ये हेटरोट्रॉफ है और इंजेस्टिव नहीं है, ये एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्प्टिव है मीन्स। सही है, और किंगडम फिर प्लांटी है जिसमें ऑटोट्रॉफ है, मल्टी सेलुलर है, मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फिर किंगडम एनिमेलिया है, ये तो आपको पता है सबसे बड़ी किंगडम है, मतलब इसमें हम आते हैं मैमल्स भी आते हैं। तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि सबसे मीन्स छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये बताया गया है मीन्स के भी ब्लू वेल जो है वो सबसे बड़ी है, 150 टन है उसका। उसके बाद इस जगह ब्रांचेस बताई गई हैं, मैं आपको ब्रांचेस के बारे में बताना चाहूँगी। पहले है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये होता है जो हम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करें, जैसे DNA हो गए, बायो मॉलिक्यूल, प्रोटीन, लिपिड्स, ये जितने भी हैं सारे इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में क्या स्टडी करना, इनके फंक्शन के बारे में स्टडी करना, इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, सारे ये होते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, मीन्स मार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, किसी मीन्स इंसान का या किसी भी जानवर का, किसी भी चीज़ का मीन्स लिविंग हो उसका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से क्या इफेक्ट है उसे कहते हैं, इसे इकोलॉजी भी कहते हैं। फिर आते हैं मैरीन बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी किसे कहते हैं, मीन्स जो मैरीन में एनिमल रहे उनके बारे में स्टडी करना, मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी किसे कहते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहे उनके बारे में स्टडी करना, उन पे क्या इफेक्ट होता है फिजिकल, ये सारा फ्रेश वाटर बायोलॉजी होती है। पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करना, उनका ट्रांसमिशन, उनके डिजीजेज, उनकी लाइफ साइकिल, हर चीज़ स्टडी करना। ह्यूमन बायोलॉजी मीन्स में क्या आता है, ह्यूमन बायोलॉजी मीन्स ह्यूमन के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हर चीज़ स्टडी करना। सोशियोलॉजी में क्या आता है, सोशल बायोलॉजी में मीन्स सोशल एस्पेक्ट्स, मतलब वो करना, पढ़ना किसी के बारे में मीन्स उसका बिहेवियर वगैरह। और बायोटेक्नोलॉजी में जैसे ट्री प्लाज्मिड है, मीन्स टेक्निक आ रही है, जैसे हार्मोन्स बनते हैं, ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में बनती है। और बायोटेक्नोलॉजी बहुत मॉडर्न है और ये आजकल बहुत हेल्पफुल है। मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, मीन्स क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी
और सोशल बायोलॉजी में फ़र्क क्या है इन तीनों में। अगर आपको आए तो आप मुझे मीन्स कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। मैं वीडियो को फ़िलहाल इधर ही बंद करती हूँ और फिर आपके आंसर का वेट करती हूँ और फिर सेकंड वीडियो चलाती हूँ।